प्रिय विद्यार्थियों, RCI एजुकेशन हम बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी कक्षा 12th 8 संस्कृत के विद्यार्थियों का स्वागत व सुबह का सुप्रभातम है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने संधियों का मैटर चल रहा है तो वीडियो के माध्यम से आज जो विसर्ग संधि है उसका दूसरा भेद है उत्तो संधि फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तो संधि जो है इसके दो भेद हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो जो फर्स्ट जो संधि है उसके नियम कुछ अलग हैं और सेकंड जो संधि है उसके नियम कुछ अलग हैं। इसका सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते, यानी कि जब ए विसर्ग से परे लघु स्वर ए स्वर आता है। प्रिय विद्यार्थियों, ए विसर्ग, ए जैसे क है तो क के विसर्ग लग रहा है, तो क में क्या है, ए तो ए के विसर्ग। ए विसर्ग से परे लघु स्वर ए आता है तो अपन संधि करेंगे, तो संधि करते समय ए विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, तथा आगे आने वाले ए स्वर का अवग्रह होगा। यह है अवग्रह, अवग्रह एस टाइप का होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे एस लिखा हुआ होता है ऐसे होता है अवग्रह, तो वो अवग्रह होता है ऐसा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस बात को फिर से समझें कि उत्तव फर्स्ट जो संधि है इसके नियम है कि ए विसर्ग के आगे लघु ए स्वर आए तो संधि करते समय ए विसर्ग का ओ तथा ए स्वर का अवग्रह होगा। जैसे अपने पास नियम के अनुसार ये दे रखा है, ये दे रखा है बाल कहे अयम। प्रिय विद्यार्थियों, कह में क्या है, ए, और ए के साथ ये विसर्ग है और इसके आगे क्या है, ये ए, तो ये विसर्ग है इसे ए के साथ जो विसर्ग है इसको तो ओ में बदल देंगे और ए का क्या हो जाएगा, अवग्रह। तो इसमें बताया भी कि बाल कहे अयम मे, पहले शब्द के अंतिम वर्ण कह वर्ण में ए विसर्ग है और उसके आगे ए स्वर लघु स्वर है, तो नियमानुसार ए विसर्ग का ओ तथा ए का अवग्रह होकर बाल को अयम शब्द बना है। प्रिय विद्यार्थियों, नियम इतना कोई कठिन नहीं है, नियम बहुत सरल है। नियम के अनुसार अगर अपन अन्य शब्दों का विच्छेद या विच्छेदों का संधि करें तो कोई ऐसी परेशानी अपने सामने नहीं आ सकती, क्योंकि नियम कठिन कब बनते हैं, नियम कठिन जब बनते हैं जब अपन उसको नहीं समझे। तो इन नियमों को अगर अपन अच्छी तरह समझ लें तो कोई नियम कठिन नहीं है, कोई संधि कठिन नहीं है, कोई शब्द कठिन नहीं है कि जिसका विच्छेद और विच्छेद का संधि करें, कोई शब्द कठिन नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझिए, जैसे अपने सामने दे रखा है, अन्य उदाहरण और दे रखे हैं, कह प्लस अपी, अब कह के क्या है विसर्ग और आगे क्या है, ए, तो इस विसर्ग का क्या होगा, ये विसर्ग, इसमें कह में क्या है, ए विसर्ग, और ए विसर्ग का क्या होगा, ओ, ये ओ होया, और इसका ए का क्या होगा, अवग्रह ए, तो क्या बना, को अपी। ऐसे ये लक्ष्मणो अस्ति, सो अपी, नो अपी, काको अवदत, कृष्णो अवदत, वीरो अवदत, ये शब्द बने। और भी उदाहरण है अपने पास, जैसे अपन लिखते रहे, हर्षितो अवदत, ये बना, हर्षितो अवदत, ये बना। जैसे अपने पास बना सो अपी, तो लिख ही दिया, नो अपी, सुरेशो अवदत, सुरेशो अवदत, ये इत्यादि जो शब्द हैं ये उत्तव संधि फर्स्ट के उदाहरण हैं। इनका अपन विच्छेद भी कर सकते हैं, इनका अपन संधि भी कर सकते हैं। तो ये जो अगर नियम अपने अच्छी तरह याद है, नियम में किसी प्रकार की अपने को ना समझ नहीं है, अगर समझदारी है अच्छी तरह उसको समझ ली, तो अपना कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं होगा जिसको अपन नहीं समझे। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझो कि ये जो नियम है इनको अच्छी तरह समझ लें और समझ करके वीडियो के माध्यम से आप इसको अपने नोटबुक में उतार लें और जो संधि शब्द हैं इनको विच्छेद आप करें और विच्छेद जो शब्द हैं इनको समझ करके विच्छेद करें और विच्छेद भी संधि बना सकते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से आपके पास यही मैटर आएगा उत्तव फर्स्ट का, आप अच्छी तरह इसको पढ़ लें, पढ़ करके नोटबुक में उतारें और उसको समझ करके याद रखें। धन्यवाद, थैंक यू।